नहीं, महिपाल सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि महिपाल सिंह, मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हो सकता है ड्रग्स का नशा कर रखा होगा या कोई इंजेक्शन लगा रखा होगा, वो नशे में था, गिर गया, उसकी फोटो में भेज देते हैं। जब मैंने उसकी पिस्टल छीनी तो उसने कहा सॉरी बना, और पूरी तरीके से या तो हो सकती है उसने फिरौती ले रखी है। तो इन्होंने जबरदस्ती कार्यालय के अंदर घुस करके और मेरे पे राउंड फायर किया, मुझे जान से मारने की कोशिश करी, और मेरे गनमैन ने पीछे से गन का बट मारा, बट मार के जैसे ही गनमैन ने गोली मारने की चारों की कोशिश करी तो मैंने कहा गोली मत मारना, क्योंकि अगर ये गोली मार देते इनके बच्चे रोड पे आ जाते, ये नशे के आदि हो चुके हैं। इनका अगर पुलिस जांच कर रही है, प्रॉपर तरीके से जांच करेगी, जिसके हो सकता है इसे ड्रग्स का नशा या नशे के अंदर लोगों के बीच में करीबन 20 से 25 लोग सुरक्षा के बीच में राउंड फायर करना, ये एक आतंकवादी हो सकता है या इस पर कोई प्रेशर हो सकता है, ये इसको मैं जानता हूँ। ये बहुत चवन्ना और बहुत चिपर क्लास लड़का है, इसकी कोई इतनी औकात नहीं हो सकती। लेकिन वो भी एक समाज का संगठन। मैं शिव सिंह शेखावत, जो घटना कल घटित हुई थी, जो हमारी आपसी गलतफहमी के कारण हुई थी, अतः हमारा परिवार का मसला है, हमें मिल बैठकर आपस में सुलझा लिया है, तथा अब हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। अतः घटना के लिए मैं महिपाल सिंह मकराना से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं शिव सिंह शेखावत।